यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान को उन्होंने बुद्धिहीन बताते हुए कहा, यदि बुद्धि होती तो सपा की दुर्गति नहीं होती। बाजीमो के सम्मेलन में पहुंचे यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संभल सांसद शफीकुर रहमान को बुद्धिहीन बताया है। उन्होंने कहा कि बुद्धिहीनता से सपा की दुर्गति हुई है। अखिलेश यादव का जिन्ना आदर्श है, सरदार पटेल वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं। प्रियंका गांधी और उनकी मां राम को नहीं मानती, वह लड़की हैं, लड़े उन्हें रोक कौन रहा है। हेमा मालिनी के गालों वाले बयान पर कहा कि नारियों को ऐसा कहना ठीक नहीं है और क्या कुछ बोले यूपी सरकार के राज्य मंत्री, देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ। मंत्री, सबसे पहले तो आज यहाँ संभल में आप आए हैं, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का वृद्ध सम्मेलन संभल के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझको यहाँ कार्यकर्ताओं के विषय बातचीत करने के लिए यहाँ पर भेजा है। आज जिस प्रकार का विषय पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और चुनाव बहुत नजदीक है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सबके कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, सबको कुछ न कुछ देने का काम किया है, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, और उन्हें बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी वर्ग भेद के हिंदू को, मुस्लिम को, गरीबों को और व्यापारियों को भी, उद्यमियों को भी कुछ न कुछ देने का काम किया है। तो हमको लगता है कि जिस प्रकार से विश्व स्तर पर आदरणीय मोदी जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, भारत माता का मस्तक ऊंचा करने का काम किया, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से कल्याणकारी योजना चलाई एक बात, और दूसरा जिस प्रकार से पूरे समाज को संरक्षित करने का काम किया, कानून व्यवस्था के माध्यम से एक कानून का राज, एक गुंडों का राज है, कानून का राज है, जिस पर स्थापित करने का काम किया, पूरे प्रदेश की जनता इसमें प्रसन्न है और दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाए, ऐसा मैं निवेदन करने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता से आया हूँ कि सब कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे, ऐसा मुझको आह्वान करना है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब आप देखिए, पूरे प्रदेश में जितने विकास योजनाएं हुई हैं, जितने सड़कों का जाल बिछा है, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सब सड़कों का जाल, सबके साथ कल्याणकारी योजनाएं, सबको खाद्यान्न और सबके लिए बिजली 24 घंटे लगातार मिल रही है, बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमको विश्वास है और ये अपील हमें यहाँ के संभल की जनता से और युवा मोर्चे कार्यकर्ताओं से करने की। लगातार रैलियाँ हो रही है, क्या फर्क पड़ेगा उनकी रैलियों से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, कहाँ रैली तो जन विश्वास जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आपके टेलीविजन लगातार दिखा रहे हैं, कई कई हजार लोगों की भीड़ और लोगों की जन समुदाय यात्रा का स्वागत कर रहा है, नौजवानों का पूरा उत्साह उसके अंदर है, भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है सर्वत्र, जहां देखो वहीं भाजपा है, और अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ेंगे, जनता उनको बताएगी, और हमको देखिए अखिलेश यादव जो पैटर्न है, जिस पैटर्न में अखिलेश यादव काम करते हैं, अखिलेश यादव ने कहा जिन्ना होते तो देश का विभाजन नहीं होता, वो जिन्ना ही है जिसने देश का विभाजन कराने का काम किया, जिसने देश को कलंकित करने का काम किया, जिसके कारण से लाखों बहनें अपने इनका बेटा चला गया, लाखों बहनों का सिंदूर छिन गया, लाखों नौजवानों की हत्याएं होगी, ऐसा जिन्ना जिनका आदर्श है, हमको अपने नौजवानों ये भी आह्वान करना है कि उनका आदर्श जिन्ना रहेगा या सरदार पटेल रहेंगे, उनका आदर्श जिन्ना रहेगा या गुरु गोविंद सिंह रहेंगे या छत्रपति शिवाजी रहेंगे, ये भी युवाओं से हमको आह्वान करना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्ना देश का विभाजन कराया और अखिलेश के उनके आदर्श हैं, तो ये बात भी हमको युवाओं से करनी है। सर, लगातार जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून बिल वापस किए हैं, लेकिन जिस तरह से 700 किसानों की मौत भी हुई है, तो क्या आप मानते हैं यूपी विधानसभा चुनाव में जो बात सामने आ रही है, जो लगातार चीज चल रही है उसको लेकर पूछ जाएंगे, विपक्ष लगातार इस तरह का आरोप लगा रहा है, सरकार ने बिल लागू किए, सरकार को लगा कि नहीं ये वापस लेने, प्रधानमंत्री वापस ले लिए, विपक्ष मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है इस चीज को लेकर, सर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, खत्म हो गया। सर, प्रियंका गांधी कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाँ तो लड़ सकती है, किसने मना किया? सर, प्रियंका गांधी, सर प्रियंका गांधी, सर वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी है, सर प्रियंका जो लड़कियां हैं वो भाजपा के वोट। सर, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां जो जमीन खरीदी आ रही है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, भाजपा सरकार पर आरोप लगाए, उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? अब देखिए, उनके पास तो मुद्दा नहीं है, पहले तो राम को नहीं मानती थी, उनकी माता जी ने मना कर दिया, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, पहले वो ये था कि राम का अस्तित्व है कि नहीं जी? प्रियंका जी, आप ये पूछिए राम का अस्तित्व है कि नहीं है, पहले वो ये बताएं,
उसके बाद बाकी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाब राय ने जो विवादित बयान दे रहे हैं हेमा मालिनी जी पर विवादित बयान दे रहे हैं कि उनके यहाँ की सड़कें जो है हेमा मालिनी गालों की तरह है, क्या कहेंगे इसको लेकर सर? इनको हमको टिप्पणी भी नहीं कर सकते कि उनकी बुद्धि है, और हेमा मालिनी हो चाहे यहाँ की नारी कोई भी हो, हम उनका सम्मान करते हैं। डॉक्टर सफीकुर रहमान जो संभल के सांसद है, उन्होंने भी टिप्पणी की है, 21 साल लड़कियों को लेकर टिप्पणी की है सरकारी कानून बनाने पर। अब उनकी अपनी बुद्धि है, अगर उनको बुद्धि है, सदबुद्धि होती तो समाजवादी पार्टी की दुर्गति नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी को सब महिलाएं बेटियां चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू सपोर्ट करने वाली। सर संभल की मेहनता व्यापारियों ने आपको ज्ञापन दिया है, मंडी टैक्स